दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है घूमने की जहाँ जाकर आप अपनी जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पहुँचने के लिए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ऐसी जगह भी होगी जहाँ 1% भी सिविलियंस अलाउड नहीं है? मतलब सोच के ही थोड़ा सा अजीब लगता है ना। तो ऐसी एक जगह है जहाँ अभी हम होकर के आए हैं और वो जगह मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। मतलब क्या ही खूबसूरत जगह है वो। मतलब एक बार आप सोच के देखो कि समुद्र तट से, मतलब सी लेवल से 18,558 फीट की हाइट पे एक ऐसी जगह जहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो था, उसके बावजूद भी जब वहाँ पहुँचे और देखा तो देख के होश उड़ गए। ऐसी जगह है वो। तो ऐसी एक जगह है उत्तराखंड में जिसका नाम है माना पास। ऊपर से पत्थर, रुक जाओ, रुको रुको, पत्थर गिर रहे हैं, लगी तो नहीं किसी को? ऊपर से आया, फिर एक तगड़ी वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई। ये देखो भाई, क्या ही जबरदस्त नजारा है भाई। सब बड़े खतरनाक रास्ते हैं आगे सच में। भाई एक तो इधर का रास्ता इतना अजीब है ना भाई, यहाँ से बाइक निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है भाई। से पहले इंडिया और तिब्बत के बीच का एक ट्रेड रूट था जो कि था माना पास। इस पास को माना ला भी बोला जाता है क्योंकि ये तिब्बत और इंडिया को कनेक्ट करता है और उसके बाद आता है चाइना बॉर्डर। तो 1951 से पहले यहाँ पर ये ट्रेडिंग रूट हुआ करता था जो कि बद्रीनाथ से 60 किलोमीटर अबव हाइट पे है और काफी ज्यादा बर्फीला इलाका है। मतलब वहां पर इतनी ज्यादा ठंड होती है ना कि आपको अगर पूरी तैयारी से लेके नहीं गए हो, आप अपने गेयर्स और अपने विंटर क्लोथ्स लेके नहीं गए हो, तो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसी कि आपको स्ट्रेचर पे लेके आना पड़े या फिर आपके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़े, इतनी ही खतरनाक जगह है। 1951 में ये चाइनीज ने रूट कर दिया बंद और उसके बाद से जो एंशियंट ट्रेड रूट था ये हो गया बंद इंडिया और तिब्बत के बीच में, और उसके बाद तब से वहां पर सिर्फ आर्मी ही रहती है। इसीलिए वहां पर कोई सिविलियंस अलाउड नहीं है क्योंकि इंडिया और चाइना के कन्फ्लिक्ट कभी भी होते रहते हैं, तो इस वजह से वहां पर सिविलियंस का जाना बिल्कुल मना है। माना पास से 2 किलोमीटर पहले एक देवताल करके ताल है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ सरस्वती। मतलब सरस्वती जो रिवर है वो वहीं से निकलती है और नीचे की तरफ जाती है, तो कितनी ही सुंदर वो ताल होगी आप खुद भी समझ सकते हो। तो अब बात करते हैं माना पास तक पहुंचने के रूट के बारे में। तो हम जैसे दिल्ली से यहाँ से गए थे, तो अगर दिल्ली से आप जाते हैं या किसी भी स्टेट से आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा जोशीमठ। अब दिल्ली से अगर आप जाते हैं तो पहला दिन आपको लगेगा जोशीमठ पहुंचने में, जो कि 475 किलोमीटर, इतने में आपको 12-13 घंटे लग जाएंगे क्योंकि ऋषिकेश के आसपास का रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो इसी वजह से। बाकी देवप्रयाग के बाद से और जोशीमठ तक का, बद्रीनाथ तक का रास्ता बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप जोशीमठ पहुंच जाएं तो वहां पर SDM ऑफिस में परमिट अप्लाई किया जाता है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि परमिट की मैं एक अलग से इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ थोड़ी देर में, जिसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप परमिट के लिए वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास पहले से ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब वो क्या, वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो आप जब परमिट की वहाँ पर सारी चीज़ें कर लेंगे, परमिट आपको मिल जाएगा, देन जोशीमठ से 45 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा था कि आप पहले यहाँ से जाइए सीधे पहले जोशीमठ, क्योंकि जोशीमठ के SDM ऑफिस से ही आपको परमिट मिलेगा। और बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर आगे है माना विलेज, और माना विलेज से ही शुरू होता है ये रूट जो कि 60 किलोमीटर का है माना पास का। तो समझ रहे हो, ये पूरा रूट है जो कि आप करोगे, जिसमें आपको कहीं से भी आते हो आप किसी भी स्टेट से, तो सबसे पहले आपको पहुंचना है जोशीमठ।
अब हम बात करेंगे माना पास की रोड कंडीशन के बारे में, उसके बाद परमिट के बारे में। तो माना पास तक जाने के लिए जो रोड कंडीशन है उसमें अगर आप मान लो माना विलेज तक आते हो किसी भी स्टेट से तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी, लेकिन जैसी माना विलेज से 60 किलोमीटर का जो आप ये सफर तय करोगे ना, इसमें बहुत मुश्किलें आने वाली है भैया। क्योंकि ये वाला जो रूट है ना, इसमें एक तो ग्रेवल्स बहुत होंगे रोड पे, मतलब छोटे छोटे पत्थर कंकड़ वो पूरे रोड पे होंगे, समझ रहे हो। तो उस 60 किलोमीटर में समझ लो 40 से 45 किलोमीटर का जो सफर है ना, उसमें पूरे रास्ते पे आपको ग्रेवल्स मिलने वाले हैं, जहां पर आपकी बाइक गिर भी सकती है, जहां पर कुछ भी दुर्घटना ऐसी हो सकती है, या पहाड़ी से गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक वेल ट्रेंड राइडर हैं या वेल ट्रेंड ड्राइवर हैं तभी आप वहां पर जाइएगा, वरना तो बहुत ज्यादा रिस्की रास्ता है। दूसरा, वहां पर स्टोन्स जो होते हैं वो पहाड़ी से ऊपर गिरते हैं कहीं भी, तो इस पूरे 60 किलोमीटर के रास्ते में कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा रूट या फिर कोई भी ऐसा पैच आ सकता है जहां पर ऊपर से पत्थर गिर सकते हैं। और ये पत्थर इसीलिए गिरते हैं वहां से क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट पे वो जगह है उतनी ही ज्यादा वहां की विंड स्पीड होती है, और विंड स्पीड की वजह से जो ऊपर छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना वो ऊपर से गिरने लगते हैं, और जब वो पत्थर ऊपर से गिरते हैं तो कोई बड़ी चट्टान पत्थरों से जब घिरी होती है और वो छोटे पत्थर खिसकेंगे मिट्टी के थ्रू तो फिर पूरी चट्टान भी नीचे जा सकती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए लैंडस्लाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं उस रास्ते पे। -15 से लेके -17 डिग्री टेम्परेचर वहां का चला जाता है, तो आपको वहां पर जीना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी हालत हो जाएगी मतलब। और दूसरा, वहां पर जो है कहीं पे भी एकदम स्नो गिरने लग जाती है, मतलब आपने एक रूट क्रॉस किया, जैसे ही आपने टर्न लिया पता चला वहां स्नो गिर रही है। तो 60 किलोमीटर के बीच में आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएगी जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते होगे जाने से पहले। अब हम बात करते हैं परमिट के बारे में। तो परमिट जो है वो मिलता है SDM जोशीमठ उत्तराखंड से। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप जोशीमठ पहुंच गए, तो जोशीमठ पहुंचने से पहले जिस स्टेट से आप हो वहां से आपको पुलिस वेरिफिकेशन करा के ले जानी है। ये मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बताया, ये हमको भी वहां जाके पता चला, और लोगों के 20-25 दिन के पेंडिंग हो रखे थे परमिट। अब हमें तो किसी ना किसी तरह से मिल गया, 99% लोगों को वहां परमिट के नाम पे ना ही सुनने को मिल रहा था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के पुलिस थाने का पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, NOC होनी चाहिए कि आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ आपकी जान को खतरा है और इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। तो समझ रहे हो, ये चीज़ जरूर ध्यान में रख लेना। और दूसरा, अगर आप, अब ये तो सिर्फ एक चीज़ है जो आपको अपने स्टेट से करके ले जानी है पुलिस वेरिफिकेशन, फिर दूसरा जब आप वहाँ पहुँचते हैं SDM ऑफिस, तो वहाँ पर एक नोटरी का ऑफिस है जहाँ पर आपको ले जाएंगे वो खुद ही, अगर आप बोल दोगे ना कि माना पास का परमिट चाहिए तो वो खुद ही नोटरी ऑफिस ले जाएंगे। नोटरी ऑफिस में आपकी बाइक की RC होनी चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपका आधार कार्ड, आपकी DL और आपकी बाइक की RC, ठीक है। और ये अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी है ना तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये मत सोचना कि घर से पर्स में रख के ले जाएं, बैग में रख के ले जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें फ़ोन में भी हैं या डिजी लॉकर में भी हैं तो वो आप उनको मेल कर सकते हैं, और मेल करने के बाद वो वहीं के वहीं प्रिंट निकाल देंगे उसका, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन उसके बाद वो एक लेटर लिखेंगे जिस लेटर पे जो जो राइडर्स जा रहे हैं उनका नाम होगा, उनकी DL नंबर होगा, उनका RC होगी और उनके आधार कार्ड होंगे साथ में, वो अटैच होंगे। तो जब वो लेटर वो लिख देंगे उसके बाद उस लेटर को आपको ले जाना है SDM के साइड में, एक PA ऑफिस है, उस PA ऑफिस में जो PA बैठते हैं पर्सनल असिस्टेंट, वो आपके लेटर पे एक स्टैंप मारेंगे और वो आपको कहेंगे कि अब इसको पुलिस थाने ले जाओ, ठीक है। जब आप पुलिस थाने लेके जाओगे लेटर को तो पुलिस थाने के साइड में एक है LC ऑफिस, वहां आपको पुलिस वाले भेज देंगे कि आप वहां चले जाओ और आपने जो भी हाथ में ले रखा है वो उनको दिखा दो परमिट के लिए जो तैयारी आप कर रहे हो। तो वो जब आप उनको दिखाओगे ना वहां से असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि ये स्टैंप वगैरह लगना, आपका लेटर लिखना, नोटरी ऑफिस में सारा काम हो जाना, ये तो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, ये सारा हो जाता है। लेकिन जब आप पुलिस थाने जाते हैं ना तो वो ऑफिसर आपसे ये बोलते हैं कि आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है कि आप अपनी जान से खेलने जा रहे हो वहां पे, तो अगर वो आपके पास नहीं है तो वो आपको साफ मना कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए
पहले से ही पुलिस वेरिफिकेशन अपने स्टेट की पुलिस से करवा के जाना, जो भी आपके आसपास का थाना लगता होगा। जैसे पासपोर्ट ऑफिस में पुलिस आती है ना घर पे, ऐसी आपको अपने घर के आसपास वाले थाने में एक लेटर तैयार करवा के जाना है कि हाँ हम ऐसी जगह जा रहे हैं और ये इस डेट को जाएंगे। डेट मेंशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ये पुलिस और आर्मी के काम होते हैं ना, इसमें डेट्स और नेम्स ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, इवन टाइम तक नोट करते हैं वो। तो इसीलिए डेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहले से ही डेट लिखवा के जाना कि हम इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ जाएंगे। वो जब पुलिस थाने में आपको देखेंगे पुलिस वेरिफिकेशन, तो वो उस पर एक स्टैम्प मारेंगे, फिर आपको वो ले जाना होगा वापस SDM ऑफिस। SDM ऑफिस में जो उनका PA होगा या SDM मैडम जो होंगी, वो कोई भी आपका परमिट तैयार करवा देंगे। वो सीधे फ़ोन करेंगे मानापास IDBP में, वहाँ पे वो पूछेंगे कि वहाँ की कंडीशन कैसी है अभी, मतलब स्नो तो ज़्यादा नहीं है, या फिर बाइक्स आ सकती हैं या नहीं, कार जा सकती है या नहीं, या ग्रेवल्स इतने तो नहीं पड़ेगी, दो दिन तक रास्ता बंद रहेगा, वो सारी खबर वहाँ से वो पूछते हैं। तो अगर आर्मी वाले ने मना कर दिया वहाँ पे, IDBP पे मना कर दिया कि नहीं वहाँ अभी कोई नहीं आ सकता, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिर आपका वो डिले हो जाएगा, वो सीधे मना कर देंगे। इसमें कुछ नहीं चलता, जहाँ रास्ता बंद वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। और वो अगर कह देते हैं कि रास्ता साफ़ है, खुला मौसम है, बस टाइम से सुबह 9-10 बजे के करीब अगर वो लोग निकलते हैं, तो वो दोपहर के 3-4 बजे वापस आ जाएंगे। दोपहर ही में मौसम ज़्यादातर ठीक होता है, तो आप जा सकते हैं, तो वो आपका लेटर तैयार कर देंगे। गस्तौली बॉर्डर से लेफ्ट निकल जाओगे, पैदल 1 किलोमीटर का ट्रैक है नागताल का, ठीक है। तो गस्तौली बॉर्डर से हमने 11 बजे क्रॉस किया, देन हम आराम से 1 या 2 बजे तक मानापास करके वापस 3 या 4 बजे तक, 5 बजे तक हम आराम से आ गए थे। तो जब हम वापस आए थे, तो जितने भी चेक पोस्ट पड़े हैं बीच में, कम से कम 5 या 6 चेक पोस्ट बीच में पड़े हैं, जहां पर सब जगह परमिट चेक हुआ है, इवन किसी किसी चेक पोस्ट पर तो परमिट रख भी लिया गया है। तो इसीलिए जब भी आप इस परमिट को बनवाओगे, आपको जब SDM ऑफिस से परमिट मिल जाएगा, उसकी 10 कॉपीज ज़रूर करा के जाना, क्योंकि हर चेक पोस्ट पे वो कॉपी एक ले लेंगे, कहीं कहीं पर दे देंगे, कहीं कहीं पर ले लेंगे, और अगर ले ली और आपके पास ना हुई अगली में दिखाने के लिए, तो ये वापस भेज देंगे, बाय बाय हो जाएगा आपका। तो इसीलिए उसकी 10 कॉपीज करा के जाना। 4-5 तो हमारी बच भी गई, हमारी 5 जमा हुई हैं बस, बाकी पे स्टैंप लग के दे दिया था, तो कॉपीज करा के जाना। ये परमिट का था सारा सीन। अब बात कर लेते हैं मानापास पे होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखो, अगर आपको कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो आप मानापास जाने से पहले अपने आसपास के डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना, क्योंकि मानापास 18,558 फीट पे है, और वहाँ पर जो जगह है देवताल, वो देवताल भी अगर आप देखते हैं तो वो भी 17,500 कुछ फीट पे है। अगर आप देवताल तक भी जाते हैं, तो देवताल जाते टाइम भी आपको सांस की बहुत दिक्कत हो सकती है। तो खासकर सीनियर सिटीज़न अगर आपके साथ कोई है, तो ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग गए थे, तो कपिल भाई को सांस की दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा, उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इवन पांडे जी की भी हालत ख़राब हो गई थी। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वो तो आर्मी बेस कैंप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जो हेल्प कर देते हैं सिविलियंस कोई घूमने आते हैं वहाँ, तो लेकिन फिर भी आप अगर गाड़ी में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेके जाइएगा। दूसरा, अगर आपके पास मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, आप आ गए ऐसी, तो सबसे बढ़िया चीज़ जो मैंने अपनी राइडिंग लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहेगी, तो आप हर जगह परेशान हो जाओगे, चाहे वो कोई भी एरिया हो। पर अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आप थोड़े थोड़े टाइम में पानी का एक घूंट पीते रहोगे, तो बॉडी कभी भी फेंटेड नहीं होगी, तो आपको चक्कर नहीं आएंगे इतनी जल्दी, और सांस की भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैं जो हाइड्रेशन बैग पहनता हूँ, उसमें हमेशा मैं पानी थोड़ा थोड़ा पीता रहता हूँ। दूसरा, वहाँ पर चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड बहुत है, मतलब कोई भी आप कर्व लोगे ना, वहाँ पर वो लैंडस्लाइड हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो अचानक से जब मिट्टी सारी फिसलती है ना हवा की वजह से, तो फिर लैंडस्लाइड से पता ही है बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आप लैंडस्लाइड से डरते हो, फियर ऑफ लैंडस्लाइड है, तो फिर मत जाना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वहाँ हर रूट पे लैंडस्लाइड होने के चांस है, हर रूट पे, और आपको तो 60 किलोमीटर जाना है, जहाँ लगभग 2.5 से 3 घंटे लगेंगे आपको पहुँचने में। तीसरा, वाटर क्रॉसिंग्स बहुत हैं, मतलब इतनी वाटर क्रॉसिंग्स मैंने 60 किलोमीटर के अंदर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। लद्दाख राइड में भी वाटर क्रॉसिंग्स हैं, पर कहीं कहीं पर 2 या 3 हैं, पर इस 60 किलोमीटर के रूट में इतनी वाटर क्रॉसिंग्स हैं कि आप खुद भी ये सोचने लगोगे कि अब आगे मत आओ, बस बहुत हो गई है।
तो समझ रहे हो रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये जो मानापास वाला पूरा रूट था ये मुझे आप लोगों को बताना था, और मुझे जो लोग पूछ रहे थे कि भाई इसका परमिट कैसे मिला, आप लोग कैसे होके आए, वहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हुई, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस थे, मैंने सबको यही कहा था कि भाई इस पर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, वो हमने अभी बना दिया। तो मेरे को बताना कैसी लगी ये वीडियो। अब ये अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपने नहीं हो तो, और कमेंट करके बताना कि आपको इसमें क्या कमी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो क्या अच्छा लगा, ठीक है। और हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और बाकी हैप्पी दिवाली। तभी तो ये हमने कुर्ता पहना है भाई, ऐसी थोड़ी कुर्ता पहन लेते हैं, दिवाली का त्यौहार है भाई, कुर्ता भी पहन लेते हैं कभी कभी। पत्थर पत्थर गिरते हैं, मौसम खराब हो जाता है भाई साहब। कुछ भी बोल रहा हूँ भाई। Hit the door and the dome and just whole team here, money some.